सो हेलो एवरीवन तो आप लोगों का होली का जो फेस्टिवल है वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स तो वो आ चुका है और कुछ इंटरेक्शन आप लोगों से करना था और कुछ स्पेशल ऑफ़र्स आप लोगों के लिए अनाउस करने थे तो पहले इंटरेक्शन कर लेते हैं फिर ऑफर्स की बात कर लेंगे तो डरेक्शन कुछ ये है कि बस ऐसे ही इन जनरल कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी कुछ स्टूडेंट पिछली बार उससे पिछली बार उन्होंने ये जो मुझे न्यूज़ मिली कि भाई सर हमारा ऐसा पुलिस केस हो गया है ठीक है तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि गांव वगैरह में जो खासकर जो स्टूडेंट विलेज वगैरह में रहते हैं जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं या फिर कहीं पे भी रहते हैं इन जनरल आपको पता होली में क्या माहौल रहता है होली में रंगों का त्यौहार तो है ही है लेकिन किसी और चीज़ का भी त्यौहार रहता है आपको पता है ना और उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं तो आप कोशिश करिए ख़ुद तो एकदम साइड कट रहिए ही और अगर आपके भाई या फिर कोई घर में बड़ा है अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है तो कोशिश करिए कि उससे बिल्कुल कट के रहें ठीक है।, है ये काफ़ी छोटी चीज़ लग सकती है लेकिन जिसके साथ हो जाता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि वो फिर पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह में चीज़ें दिक्कत करती हैं तो बस ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बाकी ये है एंजॉय करिए खूब एंजॉय करिए जितना आपका क्योंकि फेस्टिवल्स होते इसीलिए अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई त्यौहार तो आते रहेंगे और ये होता रहेगा सब फर्जी की बातें हैं त्योहार व्यवहार ऐसे कैसे आते रहेंगे ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं आज है कल नहीं है ठीक है त्योहार कैसे आते रहेंगे बिल आते इसीलिए ताकि आप जो आपका स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं जम के एकदम रंग खेलो त्यौहार मनाओ विथ सर्ट प्रिकॉशंस जो मैंने आपको बताए और कोशिश करो ये जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो अभी तक डेली चलाते रहते हो और ये सब फेक वर्ल्ड में एक तरह से जी रहे हो उससे थोड़ा सा कट के सोशल वर्ल्ड में जो एक्चुअल में आपके घर वाले हैं उनसे बात करिए नाना नानी दादा दादी जो आपके एल्डर्स हैं घर में ठीक है ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और आपको भी एक थोड़ा सा चेंज ऑफ मूड हो जहाँ पर आप ऑनलाइन वर्ल्ड से निकल के ऑफलाइन रियल वर्ल्ड में एंटर करो थोड़ा सा ठीक है दूसरी चीज़ यह हो गई एंड तीसरी चीज़ इज़ रिगार्डिंग योर स्पेशल ऑफ़र और अच्छा ये बताओ कि एक वैसे ही क्वेश्चन है कि किस क्या होली भाई किस तारीख़ को जल रही है सबका वो खिलेगी झलेगी वाला पता नहीं क्या सिस्टम रहता है वही मैं आज बैच में डिस्कस कर रहा था कि भाई लगता है ये जानबूझ के ऐसा रख लेते हैं कि खिलेगी इस तारीख को खिलेगी इस तारीख को जलेगी ताकि तीन दिन की पूरी छुट्टी मिल जाए है ना सब अपना अलग अलग बोलते रहते हैं खैर वो बात अलग है लेकिन अब यहाँ पे स्पेशल ऑफर्स क्या हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं और अनुज सर भी मुझसे बोल रहे थे कि सर काफ़ी सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो विजयपद बैच अभी स्टार्ट हुआ है फॉर दी नेक्स्ट ए फोर्स एंड आर्मी एग्ज़ाम तो उसमें जो ऑफ़र था कूपन कोड लगाने पर विजय टू लगाने पर उसको सर फिर से एक्सटेंड कर दीजिए हमारे पास तब घर में सैलरी नहीं आई थी या फिर डिफरेंट फाइनेंशियल रीजन्स थे तो उसकी वजह से एज अ होली गिफ्ट आप मान लो या फिर जेस्चर मान लो आपका ये जो कोड है पहली चीज़ इसको फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है फॉर अ सर्टेन पीरियड हो सकता है एक दो दिन दो दिन के लिए अराउंड ये आपका एक्टिवेट किया जा रहा है टिल होली आप मान सकते हैं विजय टू कोड को तो ये एक तरह से आखिरी मौका है थ्रू डिस्काउंटेड या फिर थ्रू इस कोड को यूज़ करके आप बैच मैंट्री ले सकते हैं एंड और भी यहाँ पे कोर्सेज़ हैं तो कौन कौन से कोर्सेज हैं मैं आपको बता देता तो हूँ विजय पथ तो मैंने आपको बता दिया और अगर आपके साथ कोई भाई बहन दोस्त या फिर आप ख़ुद सी डी एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बड़ा ऑफ़र एंड दैट इज़ बहुत बड़ा ऑफर है एंड दैट इज़ कि आपका सी डी एस का नेक्स्ट एग्जाम है सिक्सटीन ऑफ अप्रैल को सक्सा सोलह अप्रैल को और उसके लिए जितना भी पूरा कोर्स इसमें जितने भी क्लासेस हुई हैं पॉलिटी जोग्रफ़ी साइंस मॉडर्न हिस्ट्री सारी चीज़ें आपको सिर्फ मतलब वन फिफ्थ प्राइस में वन फिफ्थ समझ रहे हैं आप मतलब जितना उसका इनिशियल प्राइस है उसका वन फिफ्थ प्राइस में मिल रहा है और आपको इसमें कोड यूज़ करना है क्रैक ट्वेंटी थ्री तो ये आप लोगों का को कोड रहेगा ठीक है फॉर जो लोग सी डी एस बैच्स में इनरोल करना चाहते हैं क्रैक ट्वेंटी थ्री और जो बाकी स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज़ में कोस्ट गार्ड एस एस सी एम टी एस जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं ठीक है थीके? उसमें अगर एनरोल करना चाहते हैं तो ये आप कोड यूज़ करिएगा होली ट्वेंटी थ्री ठीक है अगेन रिपीट विजय टू आपको कोड यूज़ करना है फॉर द विजय पद बैच कोर्स अगर आप सी का एनरोल कर रहे हैं विक्टर बैच है ठीक है जिन लोगों को बता दूँ मैं नहीं पता है विक्टर बैच करके आपको कोर्स में दिखेगा एंड द कोड इज़ क्रैक सी आर ए सी के ट्वेंटी थ्री क्लियर है तो इससे आप जितने भी जीके के के लेक्चर्स हैं आपको फॉर दी वन मंथ वैलिडिटी फॉर इसकी मैं बात करूँ जो सी डी एस की है बाकी विजयपद बैच की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका टेल एग्जाम रहेगा सारी चीज़ें और ये एक तरह से जो भी आपके साथ स्टूडेंट आपके साथ जो फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी जो एनरोल करना चाहता है एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो बैच है विजय पद बैच दैट इज़ दी बेस्ट बैच फॉर द एयरफोर्स वाई ग्रुप तो ये लास्ट टाइम है जहाँ पे आप डिस्काउंटेड प्राइस में या फिर ऑफर प्राइस में जिसका लॉजिक सिर्फ इतना है कि भाई जो लोग के पास इतना नहीं है पैसा कि वो अफोर्ड कर सकते हैं बैच को और वो बिल्कुल हैं ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए एक मौका होता है कि भाई आप डिस्काउंटेड प्राइस में आप बैच में अनरोल कर सकते हैं बाकी फिर से नॉर्मल प्राइसिंग हो जाएगी आफ्टर अराउंड आई थिंक टू डेज़ तो ये आपके पास मौका है कि आप तुरंत इसमें अनरोल कर सकते हैं बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अगेन हैप्पी होली टू ऑल और बिल्कुल जम के मनाइए होली उसमें कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई भी करिए लेकिन पढ़ाई का मौका जब है तो पढ़ाई करिए लेकिन जब फेस्टिव सीज़न है तो भाई फेस्टिवल भी जम के तगड़े से मनाइए गुजिया वज़िया खाइए एकदम दबा के ठीक है लेकिन विद सर्टेन प्रिकॉशंस कि जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे और मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद